So using a good quality engine oil in a motorcycle is very, very important. Especially if you have a commuter motorcycle, then you should really use a good quality engine oil in your motorcycle so that you can get the better mileage out of your motorcycle, you can get the better performance from your motorcycle, and also you can get the better engine quality and engine smoothness and engine reliability in your motorcycle. और अगर आप लोगों के पास अगर बजाज की पल्सर की अगर कोई अगर बाइक है ना, तब आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक में जो है वो डेफिनेटली कोई अच्छा इंजन ऑयल जो है वो डालना ज़रूरी है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो पल्सर की एंथुजियाज़म है वो आप लोगों को जो है वो सामने निकल के आए और आप लोगों को मिले. सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए, कौन से इंजन ऑयल का ग्रेड आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में यूज़ करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट विच इंजन ऑयल यू शुड पुट इन योर बजाज पल्सर 125 सो दैट यू कैन गेट द बेटर माइलेज एंड द परफॉर्मेंस एट द सेम टाइम. सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बजाज पल्सर 125 का जो इंजन ऑयल का ग्रेड है ना, वो है बेसिकली 10W30. अगर आप लोगों को नहीं बताया, बेसिकली 10W का मतलब होता है 10 वॉट और 30 मतलब जो लिक्विड की जो स्मूथनेस होती है उसको बेसिकली कहते हैं, उसकी थिकनेस को कहते हैं. सो बजाज पल्सर 125 का जो इंजन ऑयल का ग्रेड है वो बेसिकली है 10W30. स्पेशली बजाज पल्सर 125 के लिए आप लोगों को जो इंजन ऑयल का ग्रेड आप लोगों को यूज करना है वो आप लोगों को यूज करना है 10W30 का, है ना, जिससे कि मतलब आप लोगों के बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को ज्यादा बेटर माइलेज जो है वो आप लोगों को मिल पाए, इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो परफॉर्मेंस भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा मिल पाए. सो ये तो बेसिकली हम लोग ने इंजन ऑयल के ग्रेड की बात कर ली. अभी हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है बेसिकली आप लोगों को अपने बाइक में कौन से कंपनी का इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को डालना चाहिए. सो अगर आप लोग मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मानोगे ना, तो मैंने अपने बाइक में मैंने टोटल तीन इंजन ऑयल जो है वो मैंने अपने बाइक में मैंने यूज़ किए हैं. सबसे पहले इंजन ऑयल जो है वो मैंने बजाज का मैंने इंजन ऑयल यूज़ किया है, दूसरा मैंने कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल यूज़ किया है, और तीसरा मैंने मोतूल का इंजन ऑयल जो है वो अपने बाइक में यूज़ किया है. मैं आप लोगों को बेसिकली इन तीनों में से सबसे बेस्ट बता सकता हूँ कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट और सेकंड बेस्ट कौन सा है. सो माय एक्सपीरियंस विद बजाज इंजन ऑयल इज लाइक सफिशिएंट इनफ, इट्स नॉट वेरी बैड एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी गुड. बजाज का इंजन ऑयल ना, ये बेसिकली जेनेरिक टाइप का इंजन ऑयल है. ये वाला इंजन ऑयल बेसिकली काम चला देता है, कुछ ज्यादा आप लोगों को परफॉर्मेंस गेन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही कुछ ज्यादा आप लोगों को माइलेज गेन इस वाले बाइक में जो है वो देखने के लिए मिलता है. अगर आप लोगों के इस वाले बाइक में अगर आप बजाज के इंजन ऑयल अगर यूज करते हो तब. सो बजाज वाले इंजन ऑयल को हम लोग जो है वो साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ये टिपिकल मतलब जेनेरिक टाइप का इंजन ऑयल है, इसका मतलब कोई यूज नहीं है बताने का. अगर आप लोगों को अगर काम चलाने के यूज करना है तो आप लोग कर सकते हो. अभी बचे दो इंजन ऑयल, एक कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल और एक मोतूल का इंजन ऑयल. हम लोग सबसे पहले जो है वो चलते हैं मोतूल के इंजन ऑयल पे. बेसिकली मैंने अपने बाइक में मैंने मोतूल का इंजन ऑयल जो है वो मैंने यूज किया था. मोतूल का बेसिकली जब इंजन ऑयल मैंने अपने बाइक में मैंने यूज किया था ना, तो मोतूल वाले इंजन ऑयल में मुझे बेसिकली अपने बाइक में जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज मिला, एंड ऑल्सो इस वाले बाइक में जो है वो परफॉर्मेंस भी इसमें जो है वो गेन होती है. अगर आप लोग अगर मोतूल का अगर या फिर मतलब कोई थर्ड पार्टी इंजन ऑयल अगर डालो तब, जैसे कैस्ट्रॉल का भी हो गया, कैस्ट्रॉल और मोतूल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस मिनिमम है, लेकिन मोतूल का जो है वो मैं ज्यादा मैं प्रिफर करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाइक में जो है वो मोतूल का मैंने मतलब इस्तेमाल किया है और मोतूल में मुझे फायदा मिला है ज्यादा. अगर आप लोग कैस्ट्रॉल की अगर बात करो, तो कैस्ट्रॉल का भी मैंने जो है वो अपने बाइक में मैंने इंजन मैंने यूज किया एक दो बार, लेकिन उसमें बेसिकली उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी ना, जैसे अगर बहुत ज्यादा अगर ट्रैफिक में अगर खड़ी रहती है ना, तब बेसिकली कैस्ट्रॉल का जो इंजन ऑयल है ना, वो पता नहीं मेरे बाइक में से वो अजीब सी वो आवाज निकालने लगता था, हल्का फुल्का बाइक जो है वो गर्म हो जाती थी, बाइक की जो साउंड होती है ना वो रफ हो जाती थी. सो मेरा जो एक्सपीरियंस है बेसिकली कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल के साथ वो जो है वो उतना अच्छा नहीं है. हालांकि इन दोनों ही इंजन ऑयल में जो है वो जमीन आसमान का इसमें डिफरेंस नहीं है, है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा डिफरेंस है. कैस्ट्रॉल का जो इंजन ऑयल आता है ये सस्ता आता है, मोतूल का जो इंजन ऑयल आता है ये महंगा आता है, लेकिन मुझे बेसिकली अपने बाइक में जो है वो मोतूल में ज्यादा बेटर माइलेज मिला और मोतूल में ही बेसिकली मुझे जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिली. दोनों में थोड़ा बहुत जो है वो मुझे डिफरेंस लगता है. बेसिकली इंजन का साउंड होती है ना वो हल्की सी रफ हो जाती है और इंजन जो है वो हल्का फुल्का गर्म चलने लगता है, अगर मतलब कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल जो है वो मैं अगर अपने बाइक में डालता हूँ तो. सो मेरी जो रिकमेंडेशन बेसिकली आप लोगों के बजाज पल्सर 125 के लिए होगी ना, वो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में मोतूल का इंजन ऑयल जो है वो आप लोग यूज करके देखो. डेफिनेटली मोतूल का जो इंजन ऑयल है ये सूट करेगा, क्योंकि मोतूल का जो बेसिकली कम्यूटिंग पर्पस वाला जो इंजन ऑयल होता है ना, जैसे मोतूल 3100, इसमें बेसिकली इसमें तीन टाइप के इसमें इंजन ऑयल आते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, है ना. लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो उससे पहले का अभी जो मैं बता रहा था इन्फॉर्मेशन, मैं आप लोगों को वो बता दूं. बेसिकली कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए बेसिकली जो मोतूल का 3100 जो आता है ना,
ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है कम्यूटिंग पर्पज़ के लिए। इसमें बेसिकली आप लोगों को जो है वो माइलेज मिलता है, परफॉर्मेंस आप लोगों को एकदम तगड़ी मिलती है अपने बाइक में, उससे ज़्यादा बेटर जो है वो आप लोगों को माइलेज मिलता है, क्योंकि माइलेज बेसिकली कम्यूटिंग मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है माइलेज की। और माइलेज बेसिकली आप लोगों को जो है वो मोतूल का 3100 जो है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से दे देता है। अभी हम लोग चलते हैं कि बेसिकली मोतूल में आप लोगों को कौन सा इंजन ऑयल जो है वो अपने बाइक में डलवाना चाहिए। अब मोतूल में बेसिकली आप लोगों को जो है वो तीन टाइप के इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों के बजाज पल्सर 125 के लिए जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले इंजन ऑयल मोतूल 3100 10W30 इंजन ऑयल, दूसरा इंजन ऑयल है बेसिकली मोतूल 5100 10W30 इंजन ऑयल, और तीसरा आप लोगों को जो है वो इंजन ऑयल मिलेगा 7100 मोतूल 10W30 इंजन ऑयल। इसमें से सबसे पहली बात आप लोग जो है वो मोतूल के 7100 10W30 इंजन ऑयल को जो है वो आप लोग हटा दो, क्योंकि ये वाला जो इंजन ऑयल है ये बेसिकली परफॉर्मेंस इंजन ऑयल होता है। ये आप लोगों के बजाज पल्सर 125 के लिए जो है ये वाला इंजन ऑयल बेसिकली नहीं बनाया गया, ये परफॉर्मेंस के लिए होता है। इसमें आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 125cc वाली जो मोटरसाइकिल होती है अलग बनी हुई रहती है, बाकी जितनी भी मोटरसाइकिल होती है वो अलग बनी हुई रहती है। सो मोतूल 7100 को जो है वो आप लोग हटा दो साइड में, है ना। मैं आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाला इंजन ऑयल बेसिकली बहुत ज्यादा पतला होता है, और मतलब इसके चांसेस इसके ये होते हैं कि ये वाला इंजन ऑयल जो है ये इंजन से लीक करने लगता है, क्योंकि मतलब कम्यूटर मोटरसाइकिल जो है ये वो इस वाले इंजन ऑयल को जो है हैंडल नहीं कर पाती है। अभी बचे दो इंजन ऑयल, मोतूल 3100 एंड मोतूल 5100। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मोतूल 5100 इज द बेस्ट इंजन ऑयल फॉर योर पल्सर 125, है ना। मैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो मोतूल का जो 3100 है ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम इसको आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये वाला इंजन ऑयल और बजाज के इंजन ऑयल में जो है वो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बजाज का अगर इंजन ऑयल अगर यहाँ पर है ना तो वो हल्का सा ऊपर है, मतलब बजाज से ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना मतलब मोतूल 5100 है। मोतूल 5100 10W30 बेसिकली ये वाले इंजन ऑयल जो है ना ये आप लोगों के बाइक को बहुत ज्यादा आप लोगों की बाइक की जो है वो परफॉर्मेंस को एकदम इंक्रीज कर देगा, स्मूथनेस आप लोगों की बाइक की जो है वो एकदम इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंजन ऑयल का काम जो है वो बाइक के इंजन को स्मूथ करना भी होता है। इसी के साथ ही साथ अगर आप लोगों की बाइक में अगर कोई भी अगर आवाजें अगर आती है ना, या फिर अगर आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो अगर रफ चलता है तो वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, और अगर वो भी स्मूथ हो गया तब बेसिकली आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में आप लोगों को ज्यादा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस के साथ ही साथ आप लोगों की जो है वो बाइक का आप लोगों का माइलेज भी बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग की बाइक अगर 55 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर पर लीटर अगर दे रही है ना, तो मोतूल का 5100 10W30 इंजन ऑयल डालने के बाद बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो लगभग वो 60 किलोमीटर पर लीटर का तक माइलेज जो है वो दे सकती है, है ना। जैसे कि अगर आप लोग मेरी बाइक की बात करो तो मेरी बजाज V15 ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मुझे 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है बेसिकली मोतूल के 5100 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माइलेज है बजाज V15 के हिसाब से। पल्सर की अगर आप लोग बात करो तो पल्सर बेसिकली इसमें आप लोगों को जो है वो फ्यूल इंजेक्शन भी इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो मोतूल 5100 10W30 ये बेसिकली आप लोगों की बाइक में जो है वो ज़्यादा बेटर आप लोगों को जो है वो माइलेज दे सकता है, ज़्यादा परफॉर्मेंस आप लोगों को जो है वो दे सकता है बाकी दूसरे किसी भी इंजन ऑयल से। कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल बेसिकली मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल्का सा मुझे बस उसका मुझे साउंड मुझे जो है उसका हल्का सा मुझे अजीब लगा है, पता नहीं वैसा क्यों है यार, है ना, या तो वो ज्यादा थिक है या फिर जो भी है, लेकिन मेरे लिए बेसिकली पर्सनल लेवल पे मोतूल का जो इंजन ऑयल है ये एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा है मेरे हिसाब से। सो मैं भी आप लोगों को जो है वो मोतूल का 5100 10W30 जो है वो आप लोगों को इंजन ऑयल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में 10W30 ग्रेड का जो है वो आप लोग अपने बाइक में इंजन ऑयल डालो, और आप लोग जिस ब्रांड का आप लोग यूज करो वो मैं आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो मोतूल का इंजन ऑयल बेसिकली अपने बाइक में जो है वो डालो। So, ये तो बेसिकली बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को कौन सा इंजन ऑयल डालना है ये उस चीज के बारे में बात हो गई। एक छोटी सी एक ट्रिक, एक छोटा सा सीक्रेट जो है वो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज इंक्रीज होता है जब आप लोगों की बाइक का जो इंजन है ना वो जब स्मूथ चलता है। अगर आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो स्मूथ चलेगा तो आप लोगों की बाइक की जो माइलेज और परफॉर्मेंस है वो दोनों बढ़ जाएगी। बाइक के इंजन को एक्स्ट्रा स्मूथ करने के लिए इंजन ऑयल का बेसिकली अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल तो यूज करना जो है वो जरूरी होता है, लेकिन इसी के साथ ही साथ बेसिकली आप लोग जो है वो एक और चीज का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो जिसको कहते हैं ऑयल ट्रीटमेंट। ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन ऑयल के साथ ही जाता है आप लोगों के बाइक में, और ये आप लोगों के बाइक को डबल स्मूथ कर देता है। मैं आप लोगों को एक ऑयल ट्रीटमेंट जो है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा, वो ऑयल ट्रीटमेंट है बेसिकली एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट। अब एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली मैं आप लोगों को मैं क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक यही एक ऑयल ट्रीटमेंट
कूलेंट है जो कि मैंने अपने बाइक में मैंने यूज किया है, और इसको डालने के बाद मेरे बाइक का माइलेज काफी ज्यादा बढ़ गया था, जितना मतलब मोतुल के इंजन ऑयल से भी नहीं बढ़ा था उतना, मतलब इस चीज से बढ़ गया था। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इंजन ऑयल डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही सिर्फ चिपका दो, ऐसा नहीं होगा, तब तो मतलब आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो खराब हो जाएगा। ये बेसिकली आप लोगों के बाइक में इंजन ऑयल के साथ ही जाता है, और एकदम ब्रांड न्यू इंजन ऑयल के साथ जाता है। अगर आप लोगों की बाइक में पुराने इंजन ऑयल है उसके साथ अगर आप लोग डालोगे तो आप लोगों को जो है उतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों का ऑयल ट्रीटमेंट अगर अपने बाइक में अगर डालते हो तो ब्रांड न्यू इंजन ऑयल के साथ जो है वो आप लोग अपने बाइक में ऑयल ट्रीटमेंट डालो, किसी भी कंपनी का ले लो। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोग एवरो का लो, है ना, क्योंकि मतलब मैंने उसी का मैंने यूज़ किया तो मतलब मुझे ज़्यादा मुझे सही लगता है। मोतुल का इंजन ऑयल बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, और ऑयल ट्रीटमेंट जो होता है ये बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन को एक्स्ट्रा स्मूथ कर देता है, इंजन ऑयल से भी ज़्यादा स्मूथ कर देता है। सो डेफिनेटली इफ़ यू गोना यूज़ बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन योर मोटरसाइकिल, देन योर मोटरसाइकिल विल बिकेम स्मूदर एंड स्मूदर, एंड यू विल गेट द मोर बेनिफिट आउट ऑफ योर मोटरसाइकिल, यू विल गेट मोर परफॉर्मेंस, एंड स्पेशली यू विल गेट द बेस्ट माइलेज आउट ऑफ योर मोटरसाइकिल। सो चलो गाइज, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कॉमेंट हो कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हो उस पर जाके लिख देना। चलो गाइज बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइज बाय बाय।